रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी ने डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया है। उसके ऑफिस और झोटवाड़ा स्थित मकान को भी सील कर दिया गया है। पुलिस अब यादव के घर और ऑफिस की तलाशी लेगी। अलमारी की चाबी भी उससे बरामद की जाएगी। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी डीओआईटी में वेद प्रकाश यादव ज्वाइंट डायरेक्टर और सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यस्थ है और वो स्टोर इंचार्ज था, जहां अलमारी से कैश और सोना निकला। सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों से कड़ाई से की गई पूछताछ के आधार पर सूटकेस का मालिक वेद प्रकाश यादव पाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, इसका आधार क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए के नोट बंद करने का मामला आरबीआई की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इन दिनों काफी चर्चा के केंद्र बने रहे सचिन पायलट ने भी बयान दिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अब जब नोटबंदी हुई तब कहा गया था कि काला धन समाप्त हो गया है, विदेश से धन वापस आएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। अब अचानक सूचना आई कि 2000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं, लेकिन इसका आधार किसी को मालूम नहीं। राजधानी जयपुर के योजना भवन में मिले करोड़ों रुपए और सोना मिलने के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने नकदी जब्त कर ली है, मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर स्थित योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में बंद अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ। इस रकम में ज्यादातर 500 और 2000 रुपए के नोट मिले हैं। इस मामले की जांच के लिए टीम का भी गठन हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं अब इस मामले में राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कार्रवाई की बात कह दी। खाचरियावास ने कहा कि मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गाँव पंठपुरा में रविवार को 19 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक अपने दोस्त के साथ टहलने भी चला गया, वापस लौटकर घर आया तो बेहोश होकर गिर पड़ा। आनंद फानन में परिवारजनों ने बसेड़ी सरकार अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक 19 साल के आसू पुत्र जयवीर ठाकुर निवासी पंठपुरा ने रविवार दोपहर के विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसके बाद युवक अपने दोस्त के साथ टहलने चला गया। घर वापस लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। राजस्थान के चुरू जिले में एक युवती ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती के मुताबिक उसके साथ साल 2016 से दुष्कर्म होता आ रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की शादी भी रुकवा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुरू जिले के महिला थाना में अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का एक मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। चुरू महिला थाना अधिकारी इंद्रलाल महर्षि ने बताया कि नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो साल 2016 से अपनी माँ के साथ मामा की शादी में ननिहाल गाँव दाउस्तर गई थी। शादी में अजीत सर गाँव का एक युवक इंद्रजीत आया था। वहां उन दोनों की जान पहचान हुई, जिसके बाद दुष्कर्म का ये सिलसिला शुरू हुआ। आज के लिए राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बार, तब तक के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।